तो हम लगा रहे हैं इस्कॉन मंदिर परिक्रमा। अबे इस वक्त हम हैं वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन मंदिर में, कृष्ण बलदाव मंदिर। ये कृष्ण बलदाव मंदिर है, इसके दर्शन कराने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दिखाते हैं आपको ये प्यारा सा मंदिर इस्कॉन मंदिर, और आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर, और इस वीडियो में आपको इस्कॉन मंदिर की फुल जानकारी मिलने वाली है। कृपया करके पूरा वीडियो देखें। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर का निर्माण 1975 ईस्वी के दौरान संगमरमर से स्वामी प्रभुपाद ने इसका निर्माण करवाया था। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण के बाद जब स्वामी प्रभुपाद जी का निधन हुआ, इनकी भी प्रतिमा इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित कर दी गई थी। वेस्ट वर्जीनिया 1968 फर्स्ट इस्कॉन मंदिर अमेरिका। देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा का चित्र बनाया गया है, बहुत सुंदर। वृंदावन में स्थित इस मंदिर की आंतरिक के बाहरी हिस्सों में नक्काशी इस तरीके से की गई है कि देखने वाले इसे देखते ही रह जाएं। बहुत सुंदर बनाया गया है इस्कॉन मंदिर वृंदावन। इस्कॉन मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक और पौराणिक कथा का जिक्र किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि द्वापर युग के समय श्री कृष्ण और बलराम छोटे थे तो इसी जगह पर वो खेला करते थे, जिस जगह ये इस्कॉन मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर का खुलने का समय सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। 12 बजे के बंद होने के बाद फिर शाम को 4 बजे फिर खुलता है, और रात को 8:15 बजे तक ये खुलता है। और उसके बीच में यहाँ पर आपको हरे राम हरे कृष्णा का की धुन आपको सुनाई देगी निरंतर। Oh,
हमारे साथ चल रहे हैं संजय पंडित जी, जो हमें इस्कॉन मंदिर का पूरा सफर करा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं, जहाँ की हर एक रीति रिवाज के बारे में बताते हैं हमें। मंदिर के पट होने वाले परिक्रमा में करेगा मंदिर की, 5 मिनट बचे परिक्रमा करने के लिए, परिक्रमा करनी मंदिर की। अब तो चलो परिक्रमा करने, 3 तो हमें 3 परिक्रमाएं लगानी है और हम चलते हैं। अब आप भी लगाइए हमारे साथ इस्कॉन मंदिर परिक्रमा। तो हम लगा रहे हैं इस्कॉन मंदिर परिक्रमा, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप भी वृंदावन आते हैं तो जरूर आइए इस्कॉन मंदिर, बहुत प्यारा। आपने जाता तो वहीं खींचे तो, और मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस्कॉन मंदिर। हमारे पास समय बहुत कम है, कभी आएंगे तो यहाँ पर कम से कम 2-3 घंटे लगाएंगे। और ये देखिए सुंदर सुंदर आकृतियाँ, झांक सुंदर झांकियाँ, ये माता यशोदा। तो हमारी एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है, तो संजय जी आप दूसरी परिक्रमा लगाएंगे हैं। हाँ चलो जी, दूसरी परिक्रमा लगाएंगे अब हम। तो 5 मिनट हमारे पास रह गए हैं, ये पाइप देख सकते हैं, 5 मिनट में यहाँ मंदिर की सफाई होने वाली है। ये बुक स्टॉल है, यहाँ पर आपको सब तरह की किताबें मिल जाएंगी, सारी भाषा मिलेगी, बुक्स मिलेंगी, यहाँ समस्त भाषाओं में आपको बुकें मिल जाएंगी। हाँ आ जा, फोटो ले ले सर, आ जा। तो हमारी इस इस्कॉन मंदिर की 3 परिक्रमाएं पूरी हो चुकी हैं और अपना अब यहाँ का ब्लॉग हम ये समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फिर मिलते हैं आपसे किसी प्यारे वृंदावन मंदिर पर।